गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग गणित में पाठ एक संख्याएँ का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोग जानते हैं कि किसी संख्या में, मान लीजिए संख्या है 5, 4, 8, 6, 5, 4, 8, 6 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये संख्याएं हम लोग किसी संख्या में इनका अध्ययन करते हैं। इकाई का मतलब होता है एक, दहाई में 10, सैकड़ा 100, हजार 1,000, 10,000, लाख 10 लाख और करोड़। हम लोग देख रहे हैं कि इकाई में एक अंक, दहाई में दो अंक, सैकड़ा में तीन अंक, हजार में चार अंक, 10,000 में पाँच अंक, लाख में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक, 10 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करोड़ में 8 अंक है। ठीक, तो इसी तरह मान लीजिए अगर हमने ये संख्या ली है 5, 4, 8, 6, अब इसमें हम इसको पहला अंक जो दाहिनी तरफ से है ये हो गया हमारा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार, ये सब हमने पहले की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग किसी संख्या को विस्तारित रूप में, यानी कि उसको बड़े रूप में लिखना का अध्ययन करेंगे। जैसे 5, 4, 8, 6 है, अब इस संख्या को हमको विस्तारित रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, तो हजार को यानी कि 5 × 1,000 में, हमने यहाँ ऊपर देखा है कि हजार में कितना है 1,000, तो हम 1,000 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5,000। तो विस्तारित रूप लिखने में यहाँ पे ये क्या हो गया 5,000 प्लस। अब चार की बारी है, चार क्या हो जाएगा 4 × 1,000, सैकड़ा, सैकड़ा में 100 से गुणा, 100 से गुणा करने पर 400 यानी प्लस 400। 8 × 1,000, दहाई में 10 से गुणा, तो 8 × 10 = 80 यानी कि प्लस 80 और प्लस इकाई में 6 × 1 = 6, ये तो हमारा 5, 4, 8, 6 का विस्तारित रूप हमको लिखना है। तो 5,000 × 400 × 80 × 6, इनको जोड़ने पर हमारा ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम कितनी भी बड़ी संख्याएं हों उसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं।